देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ इस थ्री लेयर अबाया की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। और ये जो पिक्चर है, ये मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड किया था। कई सारे लोगों ने मुझे इसकी रिक्वेस्ट की थी, तो आज फाइनली मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ। और मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को इसको समझाने की, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है इसको आप लोगों को समझाना। इसको बनाना बहुत आसान है गाइज, इसको बताना आप लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को इसको आसान तरीके से समझाने की, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा इसका लेंथ है, तो इसको एक साथ हम बनाएंगे और मैं कोशिश करूंगी। तो चलिए इसकी हम कटिंग देखते हैं। तो आप भी इस तरह की कोई पिक्चर मुझे भेजना चाहते हैं, मुझे न्यू आईडी इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। जो पुराना वाला आईडी है उस पर मत भेजिएगा, जो न्यू आईडी है उस पर ही भेजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। और मैंने जो है थ्री लेयर, पिछली बार थ्री लेयर जो हिबा जिबाब होता है वो भी मैंने वीडियो डाली थी, आप लोग ने नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। तो देखिए, इसको बनाने के लिए ये मैंने फैब्रिक लिया है, और ये कितना मैंने फैब्रिक लिया है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है? तो अभी देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने हमें जो चाहिए वो फैब्रिक की जो विड्थ चाहिए वो 60 इंचेस चाहिए, 60 to 58 इंचेस इसकी विड्थ हमने चाहिए, ठीक है? तो ये मेरा जो फैब्रिक है ये 58 इंचेस का है, ये देखिए यहाँ से 58 इंचेस है, ठीक है? तो इतना ही फैब्रिक हमने इसमें लेना है। और जितना ये 58 इंचेस है, यहाँ से भी मैंने 58 इंचेस, ये देखिए यहाँ से 58 इंचेस का मैंने इसको डबल कर लिया है, ठीक है? यानी कि 58 इंचेस का हमने डबल फैब्रिक मैंने ये पहली लेयर इसमें ली है, ज़्यादा फैब्रिक इसमें यूज़ होता है। 58 का आप डबल कर लीजिएगा तो कितना हो गया आप इसमें काउंट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर डालती रहूँगी, ठीक है? तो 58 इंचेस की हमारी पहली लेयर होगी, ठीक है? तो ये देखिए, ये 58 इंचेस है हमारी पहली लेयर, ओके? ये चारों तरफ से 58 इंचेस ही है, ठीक है गाइस? तो ये डबल में है, देखिए ये देखिए डबल है, ये फोल्ड है हमारा, ओके? ये कट नहीं है, एक है हमारा ये पीस 58 इंचेस का, ये देखिए ये फोल्ड है, ठीक है? ये हमारा सबसे जो पहला है, हमारा सबसे बड़ा वाला वो वाला फैब्रिक है ये हमारा, ठीक है? होप कि मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूंगी गाइज। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आता है फिर भी, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? तो चलिए देखिए, ये 58 इंचेस का मैंने डबल में, देखिए वहां से ये 58 इंचेस है, और ये यहाँ से भी 58 इंचेस है, और यहाँ से भी ये 58 इंचेस है, ठीक है? ये चारों ओर से 58 इंचेस है, और ये फोल्ड फैब्रिक है, यानी कि टू पीस है ये हमारे 58 इंचेस के, टू पीस है, कट नहीं है इसमें, ओके? तो देखिए, अभी देखिए गाइस, यहाँ से देखिए मैंने एक और पीस, दो पीस और एक्स्ट्रा इसमें मैंने बिछा दिया है। तो सबसे पहले वाला जो पीस है वो मैं 38 इंच पे ले रही हूँ, ठीक है? सबसे पहले वाला 38 इंचेस पे है। तो यहाँ पर हम यहाँ सर्कल बनाएंगे, एक 38 इंचेस का एक सर्कल मैं इसमें बना रही हूँ, जो हमारा सबसे पहले जो ऊपर रहेगा वो 38 इंचेस का रहेगा, ठीक है? ये देखिए, ये 38 इंचेस, ओके? यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। ये मैं इस तरह से एक सर्कल बना दी हूँ, जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए सर्कल बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैंने इसको बनाया है। तो ये पहला लेयर हमारा हो चुका है। अब सेकेंड लेयर हम इसी के ऊपर मैंने बिछाया है, सेकेंड लेयर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो 38 इंचेस था मेरा फर्स्ट लेयर, तो सेकेंड लेयर जो है वो मैं 48 इंचेस दूंगी, यानी कि 10 इंच कम कर दूंगी मैं, ठीक है? तो ये मैं 48 इंचेस पे लगा रही हूँ, तो स्क्रीन पर मैं लिख रही हूँ, देख लीजिए आप लोग कितना मैं इसमें ले रही हूँ। 48 इंचेस है ये सेकेंड लेयर हमारा, 48 इंचेस पे मैंने इसको, यानी कि 48 इंच पे मैंने इसको सेकेंड लेयर रखा है, और 38 इंच पे मैंने फर्स्ट लेयर रखा है, ठीक है? अब जो लास्ट वाला है, जो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 58 इंचेस का है, ठीक है? ओके, ये जो लास्ट वाला है, ये सेकेंड वाला जो है ये 48 है, ओके? और ये वाला जो है हमारा 58 इंचेस है। तो होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो मैंने कट कर लिया है, देखिए ये वीडियो जो है वो मेरी डिलीट हो चुकी है गाइज, इसलिए मैंने आप लोगों को ये नहीं बता पाई। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, डोंट वरी, एक और बार।
तो अभी देखिए ये वाला जो है ये मेरा 38 इंचेस का है, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर। और ये जो सेकेंड लेयर है ये वाला, ये हमारा 48 इंचेस का है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है, 38, 48, 58, ऐसा तीन लेयर मैंने इसमें कट कर लिया है। जितनी आपकी लेंथ होगी, जैसे कि आपकी 52 इंचेस की लेंथ है तो आप इसको 52 इंचेस पे लीजिए और उसमें 10 इंच 10 इंच कम करते हुए दो लेयर और कट कर लीजिएगा, ओके। तो ये देखिए ये 58 इंचेस है हमारा फर्स्ट लेयर, जो मेरी लेंथ है 58 इंचेस की। 57 इंचेस की मेरी लेंथ है, मैंने 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा ही लिया है, यानी कि पूरा फैब्रिक मैंने इसमें ले लिया है लेंथ वाइज में। तो यानी कि ये 58 इंचेस का ये पहला हमारा, ठीक है, ये यहाँ पर सेंटर है। मैं यहाँ पर एक सेंटर का निशान भी लगा देती हूँ, देखिए ये देखिए सेंटर का मैंने निशान लगा दिया अभी। अब ये जो सेकेंड लेयर मैं इसके ऊपर रख रही हूँ वो 10 इंच कम कर दिया है मैंने उसमें, यानी कि 48 इंचेस, ठीक है। तो ये सेकेंड लेयर है हमारा, इसमें मैंने 10 इंच कम कर दिया है, 58 में से 10 इंच हमारा कम हो जाता है तो 48 इंचेस होता है। तो ये सेकेंड लेयर जो है वो 48 इंचेस का है। अब ये जो थर्ड लेयर है ये वाला जो है 38 इंचेस का है, ठीक है, इसमें भी मैंने 10 इंच कम कर दिया, यानी कि हमारे 10 इंच 10 इंच हमने इसको कम करके लेना है। तो मैं सेंटर में देखिए यहाँ पर पिन लगा रही हूँ इस तरह से, तो ये भी हमने यहाँ से इसको एक साथ इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो जहाँ पर मैं पिन लगा रही हूँ इसको एक साथ मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी, यानी कि ये हमारे जो सर्कल है ये हाफ मून बन चुके हैं हमारे, यानी कि आधा चांद, ओके। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसको आधा चांद समझ लीजिएगा गाइज, ओके। तो इस तरह से मैंने इसको तीन लेयर जो है वो कट कर लिए हैं, तीन पीस हमने इसमें कट किए हैं, ओके। अब हम इसको यहाँ पर एक सिलाई लगाकर तीनों को एक साथ अटैच कर देंगे। ये ब्लैक फैब्रिक है, ये आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को ये आसान पड़ेगा बनाने में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको सिल दिया है, ये एक साथ मैंने इसको जोड़ दिया है तीनों को, ठीक है। ये देखिए यहाँ से मैंने तीनों को एक साथ जोड़ दिया है, और यहाँ से देखिए फिर से मैं इसको सेंटर पकड़ रही हूँ, यहाँ से इस तरह से, ये मैंने सेंटर इस तरह से पकड़ लिया अभी। अब इसको मैंने फिर से फोल्ड कर दिया, जैसे हमने कट करने के लिए फोल्ड किए थे बिल्कुल वैसे ही मैंने फिर से इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए गाइज, मैं थोड़ा सा यहाँ पर अभी मैं आगे कर देती हूँ। ये जो ओपन वाला साइड है ये हमारा फ्रंट है, जो फोल्ड वाला साइड है वो हमारा बैक है, ये बैक है हमारा, ओके, और ये फ्रंट है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है अभी हमने शोल्डर का नाप लगाना है, तो मैं यहाँ पर कैमरे को थोड़ा सा आगे कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने नेक विड्थ लगाना है गाइस। आपकी गले की चौड़ाई जो होती है वो, मेरी गले की चौड़ाई जो है वो 3 इंच है, तो मैंने इसमें 2.5 इंच पर ही लगाया है, ये सिलने के बाद 3 इंच पे हो जाएगा, ठीक है। हमने शोल्डर नहीं लगाना है इसमें, अपना जो गले की जो चौड़ाई होती है हम अपने नेक के लिए जो लगाते हैं वो हमने इसमें लगाना है, वो मैंने 2.5 इंच पे लगाया है। और यहाँ से हम एक इस तरह से क्रॉस में 1 इंच टेप रखेंगे, ठीक है, जैसा हमारा सर्कल बना हुआ है बिल्कुल वैसे ही हम इसमें क्रॉस में रखेंगे। तो ये मैंने लगाया है 11 इंच पे, ठीक है, और यहाँ से भी मैंने 11 इंच लिया है, जो कि मेरा चेस्ट है, 1 इंच एक्स्ट्रा करके मैंने, क्योंकि ये लूज ही रहता है बिल्कुल फिटिंग में नहीं रहता है, तो मैंने 11 इंच इसमें लिया है। आप इसको मीडियम साइज तक इसमें पहन सकते हैं इसको। तो दोनों तरफ से मैंने 11 इंच पर ही इसमें निशान लिया है। तो मैं यहाँ पर देखिए ये निशान, यहाँ से तिरछे में निशान लगाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए तिरछे में मैंने इस तरह से निशान लगाया, इसको मैं पक्का कर देती हूँ आप लोगों को, ये यहाँ से ये समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये 11 इंच पे मैंने लगाया है, 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ही लिया है क्योंकि हमने इसमें सिलाई में भी ये जाएगा। देखिए ये 11 इंच है और यहाँ से भी ये 11 इंच है, ठीक है। तो बिल्कुल हमने यहाँ ये जो अभी मैंने निशान लगाया है यहाँ से मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 11.5 इंच पे लिया है, ये हमारा मार्जिन में जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर अपनी बेल्ट लगाएंगे। तो देखिए अब ये जो निशान मैंने लगाया है इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। जैसा मैंने निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पे मैं इसको कट कर दूंगी। ये देखिए कट कर दिया मैंने अभी, ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो स्लीव है वो लग जाएगी। तो ये 11 इंच है, इसको हम नाप करके ले लेंगे स्लीव कट करने के लिए। तो अब ये गाइज हमारा कट चुका है, अब इसकी स्लीव हम कट करते हैं। तो देखिए ये वाला जो फैब्रिक है हमारा, जो फर्स्ट लेयर जो 38 का लेयर जो हमने कट करे थे उसी में से निकला हुआ फैब्रिक है ये, ठीक है।
जो हमारा फर्स्ट लेयर है जो ऊपर है 38 का छोटा वाला, उसी में से ये मेरा निकला हुआ फैब्रिक है, इसी में से हम अपनी जो स्लीव है वो निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से मैंने इसको फोल्ड कर दिया। अभी अब देखिए गाइस, स्लीव के लिए हमने कितना लेना है ये बता देती हूँ। मेरी जो स्लीव है वो 25 इंचेस की है। ठीक है, ये देखिए 25 इंचेस की मेरी स्लीव है। मैं इसमें 3 इंच से 2 इंच एक्स्ट्रा मैं इसमें ले लूंगी ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ से जितनी आपकी फुल स्लीव है उसमें आप लोगों को 3 इंच एक्स्ट्रा इसमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको फिर से तिरछे में निशान लगाऊंगी, जैसा हमने अपने इसमें आर्म होल में लगाए थे, बिल्कुल वैसा ही आर्म होल के जैसा ही निशान हम इसमें यहाँ पर ये लगा देंगे। ठीक है, अभी हम इसमें जितनी हमारी स्लीव है उसमें हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है ऊपर की तरफ। तो देखिए जैसा हम क्रॉस में निशान लगाए थे अपने आर्म होल का, वैसे ही हम इसमें निशान लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये भी 11 इंच पर ही है गाइस, तो यहाँ से मैं इसको कट कर देती हूँ। जिस तरह से हमने आर्म होल में लगाए हैं बिल्कुल उसी तरह से लगाया है मैंने इसमें भी। तो ये देखिए 11 इंच पे है। ठीक है, तो जितना हमने आर्म होल का निशान लगाए थे उतना ही हम यहाँ पर भी लगाएंगे। ये देखिए ये स्लीव का बॉटम है हमारा, आप चाहो तो इसको और भी ज़्यादा ले सकते हैं, बट मैं जितना आर्म होल है उतना ही इसमें लगा रही हूँ निशान। तो मैं यहाँ से इसको इस तरह से कट कर देती हूँ। तो ये हो गई हमारी स्लीव। अगर आप लोगों के पास फैब्रिक कम है तो आप इसको सिंगल लेयर ही कट कीजिएगा, डोंट वरी, डबल लेयर भी इसमें निकल जाता है गाइस, क्योंकि हमारा जो साइड का फैब्रिक जो देखिए ये सेकेंड लेयर में हम मेरा जो ये निकला है नीचे से। ठीक है, ये सेकेंड लेयर का है जो हमारा 48 वाला जो है उसमें से ये निकला है। तो मैं इसको छोटा वाला जो है हमारा कम वाला जो लेंथ में कम जो है स्लीव में वो वाला इसमें मैं निकालूंगी। ठीक है, जो फर्स्ट लेयर का जो था उसमें ज़्यादा फैब्रिक निकला था तो मेरा फुल स्लीव निकल गई इसमें से। ये जो हाफ जो हमने जो थोड़ा सा कम जो स्लीव रखे हैं वो वाला इसमें से निकालेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, स्लीव भी हमारी इसी में से निकल जाती है और सब कुछ हमारा जो जो हमने पट्टी लगाना है फ्रंट में वो भी इसी में से निकल जाएगी, तो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना है इसमें। तो कितना फैब्रिक इसमें लगा है वो मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें ले सकते हैं, अपने लेंथ के अकॉर्डिंग फैब्रिक ले सकते हैं। तो देखिए ये 4 पीस है अभी हमारे स्लीव के। ये देखिए ये छोटे वाले पीस है हमारे ऊपर की तरफ रहेंगे, ये 2 पीस। ठीक है, और ये हमारी फुल स्लीव है, ये 2 पीस है। तो यानी कि हमारे टोटल 4 पीस हो गए स्लीव के। ठीक है, ये ऊपर से इस तरह से लगेगा ये स्लीव में यहाँ से। ठीक है, तो ये 2 हमारे हो गए, एक स्लीव में हमारे 2 पीस लगेंगे। ये देखिए 1 पीस जो है वो मैं रेडी करके आप लोगों को अच्छे से दिखा देती हूँ। तो अब देखिए ये कैसे हमने इसको इसमें लगाना है। ये देखिए यहाँ से, अब ये देखिए गाइस, ये जो जॉइन वाला है हमारा सेंटर जो है स्लीव का, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये इस तरह से ये लगेगा, ये ऊपर की तरफ रहेगा हमारा, और जो दूसरा वाला है ये यहाँ से हमारा ये लग जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये जो हमारा जॉइंट वाला है सेंटर जो है हमारे स्लीव का वो हमारे शोल्डर की तरफ आएगा यहाँ से। इस तरह से हमने इसको स्लीव को जॉइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्लीव को जो है वो यहाँ से सिलाई लगा देंगे, उसके बाद ही हम इसके साथ जॉइन करेंगे। देखिए मैंने लगा दिया अभी यहाँ से, ये स्लीव हमारी बंद हो गई है। अब देखिए यहाँ से अभी हमने इसको ज्वाइन करना है। अब इसको मैं खोल देती हूँ, ये देखिए ये यहाँ से खुल गया। अभी ये बैक है हमारा, ये जो मेरे पास जो, और ये वाला जो है ये फ्रंट है हमारा। ठीक है, अब देखिए गाइस ये जो सेंटर में है ये बैक है हमारा। अभी हमने यहाँ पर अपनी स्लीव को जो है वो अटैच करना है। अब ये जो ज्वाइन है हमारा ये हमारा नीचे की तरफ जाएगा। ये देखिए मैं लगा कर भी दिखा देती हूँ आप लोगों को अच्छे से। ये देखिए ये इस तरह से ये स्लीव हमारी ये लग जाएगी, और यहाँ पर देखिए ये जो जॉइंट है ये नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा फैब्रिक है, ये कैमरे में इसका जो फ्रेम जो है वो नहीं अब सेट हो रहा था, तो इसीलिए मैं आप लोगों को इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये स्लीव हमारी लग जाएगी, और वो जो दूसरी वाली स्लीव है ये देखिए ये यहाँ पर लग जाएगी बिल्कुल। ये जो जॉइंट है ये नीचे की तरफ आएगा, और ऊपर जो हमारा फोल्ड साइड है वो ऊपर की तरफ जाएगा, हाँ यानी कि हमारे शोल्डर पे रहेगा ये वाला। ठीक है, जो जॉइंट है वो नीचे की तरफ जाएगा।
तो देखिए इस तरह से स्लीव मैंने ये लगा दिया है। ओके, ये देखिए यहाँ से भी मैंने स्लीव को लगा दिया है। अब देखिए गाइस यहाँ पर जो है ये खुला है अभी, अब इसमें हमने अपनी जो पट्टी है वो लगानी है। ये देखिए ये स्लीव है हमारी, ये ऊपर से टू लेयर है हमारे, और यहाँ से देखिए ये अच्छे से मैं इसको खोलकर जो है वो बता देती हूँ। ये ओपन है हमारा फ्रंट से, ओके, और ये कुछ इस तरह से हमारी जो, ये देखिए। अब देखिए गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आमने सामने रखा है मैंने, ठीक है, ये यहाँ पर आमने सामने रखा है मैंने। ये बैक और फ्रंट हमारा स्लीव के साथ जुड़ चुका है। तो चलिए अभी देखिए यहाँ पर हम बेल्ट कैसे लगाएंगे ये मैं दिखा देती हूँ, इसको हटा देते हैं अभी। ये देखिए ये मेरा जो 58 वाला जो लेयर है उसमें से ये वाला निकला है, तो इसी में से हम अपनी पट्टी निकालेंगे, ठीक है। इसमें से जो है मैं पट्टी की जो चौड़ाई ले रही हूँ 3 इंच पे ले रही हूँ यहाँ से, ये देखिए यहाँ से 3 इंच पे मैं इसमें निशान लगा रही हूँ, यानी कि 3 इंच पे। तो अभी देखिए ये 3 इंच पे 3 इंच पे इस तरह से मैं पट्टियाँ कट कर लूँगी, यानी कि मेरा जो है ये 3 मीटर इसमें पट्टियाँ निकालनी है मुझे, क्योंकि जो मेरी लेंथ थी वो 3 मीटर की थी। तो मैं इसको इस तरह से पट्टियों को कट करते हुए इसको जोड़ दूंगी एक दूसरे के साथ, और इसको एक लंबी सी जो है वो स्ट्रिप में तैयार करूंगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैं इसको जोड़ते हुए एक लंबी सी स्ट्रिप में 3 मीटर की स्ट्रिप इसमें लेंथ वाइज में कर दूंगी। ये देखिए यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी और 3 मीटर इसमें मैं बना लूंगी, और इस पट्टी को हम यहाँ से नीचे से इसको लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए, तो चलिए ये भी लगाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से नीचे से जो है हम इसको लगाना शुरू करेंगे इस पट्टी को। ये देखिए यहाँ से इस तरह से डबल करेंगे हम इसको, और यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। अंदर से लगाएंगे, रॉन्ग साइड से हम इसको लगाएंगे, और बाहर की तरफ फिनिशिंग से हम इसको फोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर इतना ही आ रहा है मेरा, तो मैं एक और पट्टी यहाँ पर जोड़ दूंगी इस तरह से ज्वाइन लगाकर, इसको मैं आगे की तरफ जो है इसको कंटिन्यू करूँगी। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे पीस मैंने कट करके इसको, 3 पीस मेरे इसमें यूज हुए हैं, यानी कि 3 मीटर मेरा ये पट्टी इसमें लग चुकी है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से पट्टी को मैं लगाकर आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ओके। तो देखिए गाइस पट्टी को मैंने उल्टी साइड से लगा दिया है, 1/2 इंच पे रखते हुए मैंने इसको सिर्फ सिल दिया है, ठीक है। तो ये 3 इंच की पट्टी मैंने काटा था, यानी कि 3 इंच की पट्टी मैंने कट कर दिया था इसको। अब देखिए यहाँ से देखिए ये देखिए उल्टा करके मैंने इसको फोल्ड किया था, अब इसको मैं सीधा कर देती हूँ यहाँ से। अब देखिए यहाँ से मैं इसको पट्टी को यहाँ से थोड़ा सा 1/2 इंच पे फोल्ड करूँगी, और इसको फिर से एक बार यहाँ से फोल्ड करते हुए इसको पट्टी को बना दूंगी, जैसे हम बटन पट्टी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी मेरी, तो मैंने बटन पट्टी बिल्कुल इसी तरह से बनाया है, तो आप भी इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको पिन लगा दूंगी इस तरह से सेट करते हुए अच्छे से यहाँ पर, और ये सारी पट्टी जो है मैं इसको एक ऊपर जो है सिलाई लगा दूंगी। मैं फ्रंट आगे की तरफ फोल्ड कर रही हूँ, मैंने रॉन्ग साइड से इसको पट्टी को लगाया है, और मैं इसको सीधी तरफ जो है वो फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से पूरे में मैं इसी तरह से पूरा जो है फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी जो है इसको कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से आप लोगों को किसी और चीज में बताकर इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो देखिए ये हमारा जो अबाया है ये रेडी हो चुका है, अभी ये पट्टी मैंने लगा दिया है, ये 3 लेयर अबाया है। तो गाइज वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए। और तो चलिए और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और दुआ में मुझे याद रखिए। पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है 3 लेयर हिजाब की, तो वो भी ज़रूर देखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर इस एंड स्क्रीन पर भी देखिए दिख रहा है आप लोगों को, वो भी आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो बाय, अल्लाह हाफिज़।